वेन वॉज़ विलियम वर्ड्सवर्थ बॉन यानि विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों इनका जन्म हुआ था सेवन अप्रैल सेवनटीन सेवेंटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू यानी विलियम वर्ड्सवर्थ इन में से कौन से ऐज से बिलोंग करते हैं यानि इनका संबंध इनमें से कौन से एज से है तो दोस्तों ये एक रोमेंटिक पोएट हैं तो दोस्तों ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ इज़ रिकॉर्ड एज द ग्रेटेस्ट यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जी को माना जाता है सबसे ज़्यादा दोस्तों उनको इनमें से किस रूप में सबसे ज़्यादा माना जाता है तो दोस्तों उनको नेचर पोएट के रूप में सबसे ज़्यादा जाना जाता है तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेचर पोट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोनेट द वर्ड इज़ टू मच विद अस वाज पब्लिश इन यानी इनमें से किस ईयर में जो सोनेट है द वर्ड इज टू मच विद ये कब पब्लिश हुई थी तो दोस्तों ये पब्लिश हुई थी 1807 में ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कलेक्शन ऑफ़ पोम्स यानी इनमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ़ पोम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ किया गया था बाय वर्ड्स यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जी द्वारा इन कोलेबोरेशन विद कॉलरेज यानी जिनमें जो एस टी जी है उनका भी सहयोग था तो ऐसा कौन सा कलेक्शन ऑफ पोम है जो कि फ़र्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ जी द्वारा जिनमें एस टी कॉलेज जी का भी कोलेब्रेशन था यानी उनका भी सहयोग था तो दोस्तों जो लिरिकल बैलेट्स है ये एक पोम का कलेक्शन है जो कि एस टी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ जी द्वारा पब्लिश कराया गया था जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी के जो फ्रेंड हैं एस टी कॉलेज जी यहाँ पर कॉलरेज़ की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा सी ओ एल ई आर है फिर आई जी डी जी ई है तो जो विलियम वर्सवर्थ जी हैं और साथ में एस टी जी हैं इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स निक, आ, को पब्लिश कराया था जो कि एक पॉम का कलेक्शन था और जिनमें जो पोम थी 19 पोम्स लिखी गई थी हमारे विलियम वर्ट्सवर्थ जी द्वारा और जो फोर पोम्स थी वो एस टी कॉलेज जी द्वारा लिखी गई थी टोटल ट्वेंटी थ्री पोम्स का ये कलेक्शन था दोस्तों यानी ट्वेंटी थ्री पोम्स का कलेक्शन है दोस्तों और ये दोस्तों फोर एडिशन में ये निकाला गया था तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट टाइप ऑफ अ पोर्ट इज़ वर्ट्स वर्थ यानी किस तरह के पोएट हैं हमारे विलियम वर्ट्सवर्थ जी तो दोस्तों ये एक नेचर पोर्ट हैं तो अब पोअट ऑफ नेचर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन वॉज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश यानी कब लिरिकल बैलेट पब्लिस हुआ था दोस्तों तो दोस्तों ये पोम का जो कलेक्शन है लिरिकल बैलेट्स ये याद रखिएगा कि ये पब्लिश हुआ था सेवनटीन नाइनटी एट में तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों इसके फोर एडिशन आए थे तो जो फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का वो आपका 1798 में पब्लिश हुआ था और जो सेकेंड एडिशन था उसका नाम था प्रिफेज टू लेरिकल बैलेट्स जिसमें प्रिफेज भी था तो वो पब्लिश हुआ था दोस्तों 1800 में और जो थर्ड एडिशन आया था दोस्तों वो 1802 में आया था और जो फोर्थ एडिशन था दोस्तों वो एटीन हंड्रेड फाइव में आया था तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो ये है यहाँ पर जितने भी काले पेन से लिखा है दोस्तों ब्लैक पेन से वो इसके आंसर्स हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर जो सेवन है वो ये है कि हो रोड ऑट टू ड्यूटी ड्यूटी तो ऑट टू ड्यूटी जो वर्क है विलियम वर्ड्स जी का वो किसने लिखा है तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ये वर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि वॉट वॉज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जी के सिस्टर का नाम क्या था तो दोस्तों उनके सिस्टर जी का नाम था डोरोथी ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन डेड वर्ड्स वर्थ डाई यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जी की डेथ कब हुई थी दोस्तों उनकी डेथ हुई थी एटीन हंड्रेड फिफ्टी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग दीज आर नॉट लेक पॉट यानी इनमें से कौन लेक पोर्ट नहीं है तो दोस्तों हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं साथ में रॉबर्ट साउथी साउदे और एस टी भी हैं इनमें से ऑप्शन डी जो है जॉन कीट्स ये नहीं है मतलब ये लेक पोइट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच यर्ड्स वर्थ एडेड प्रीफेस टू लरिकल बैलेट्स दोस्तों ये जो उनका सेकेंड एडिशन था वो कब आया था किस ईयर में आया था ये पूछा जा रहा है तो दोस्तों जो जो सेकेंड एडिशन था दोस्तों प्रिफेज टू लिरिकल बैलेट्स ये आया था आपका एटीन हंड्रेड में तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द ईयर सेवनटीन नाइन्टी एट टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मोमेंट्स मोमेंट यानी कि जो सेवनटीन नाइन्टी एट जो है दोस्तों उसे क्यों रोमांटिक जो मोमेंट है उसका बिगनिंग माना जाता है दोस्तों इसलिए माना जाता है क्योंकि जो आ, 1798 सेवनटीन नाइन्टी एट जो है दोस्तों इस ईयर में लिरिकल बैलेट्स जो थी दोस्तों पब्लिश हुआ था तो इसलिए हुआ ये था दोस्तों जो विलियम वर्ट्सवर्थ जी हैं और साथ में जो एस टी कॉलेज जी हैं इन दोनों ने मिलकर जो अपना पोम का जो कलेक्शन था लिरिकल बैलेट्स वो सेवनटीन नाइन्टी एट में पब्लिश कराया था तो ऐसा जनरली कंसीडर किया जाता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं साथ में एस टी कॉलेज जी जो हैं इन्होंने जब 1798 एट में जब अपना लेक बैलेट्स पब्लिश कराया तब से रोमांटिक जो एज था तब से स्टार्ट हो गया था तो इसीलिए जो बिगनिंग है ऑफ रोमांटिक एज और मोमेंट मानी जाती है क्योंकि इस दिन 1798 में हमारे लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड एज पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं दोस्तों इनको पोइट लॉरिएट बनाया गया था ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के कब बनाया गया था ये पूछा जा रहा है इसमें तो इनको 1843 में ये बने थे दोस्तों पोएट लॉरीट और 1850 तक ये रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर डेथ हुट्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरियट यानी किन की डेथ के बाद विलियम वर्ट्सवर्थ जी को पोएट लॉरियट बनाया गया था ऑफ इंग्लैंड तो दोस्तों जो रॉबर्ट साउदी हैं रॉबर्ट साउदी के डेथ के, के बाद जो विलियम वर्ट्सवर्थ जी हैं इनको पोएट लॉरियट बनाया गया था तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है वर्ड वॉज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ डॉटर फ्रॉम एनेट वैलन यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं उनकी डॉटर का नाम क्या है जो डॉटर थी दोस्तों एनेट वेलेंट की यानी ये जो एनेट वेलन है दोस्तों ये इनकी लवर है मतलब ये इनसे प्रेम करते थे दोस्तों आई मीन टू से करते हैं ये मतलब बहुत प्रेम करते थे तो उनसे इनकी एक डॉटर हुई थी जिनका नाम था कैरोलिन तो कैरोलिन जो ऑप्शन सी है ये सही है यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है वर्ड्स की बेटी का लेकिन इनकी शादी दोस्तों मैरी वट्सवर्थ जी के साथ हुई थी ये जो नेम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैरी हट्स हटचिनसन ये इनकी वाइफ थी विलियम वाट्सवर्थ जी की नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है जो इनकी बायोग्राफी मैंने डिस्कस करी थी उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पोम्स आर देयर इन लिरिकल बैलेट्स यानी लिरिकल बैलेट्स में कितनी पोम्स हैं तो दोस्तों जो लिर, लिरिकल बैलेट्स है इसमें ट्वेंटी थ्री पोम्स हैं और जो नाइन्टी पोम्स हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ जी द्वारा लिखी गई है और फोर पोम्स आपके एस टी कॉलेज जी द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वर्ड्स वर्ड इज़ टू मच विद इज़ा यानी जो वर्ड्स वर्थ, वर्थ जी की वर्क uh, है द वर्ड द वर्ल्ड इज टू मच विद ये क्या है दोस्तों ये एक सोनेट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मीटर यानी कौन सा मीटर यूज़ किया गया है जो विलियम वर्ड्स जी की पोम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस में तो दोस्तों इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स लंदन वन एट जीरो टू इजा यानी जो वर्ड्सवर्थ जी का जो वर्क है लंडन एटीन हंड्रेड जीरो ज़ीरो टू ये दोस्तों क्या है दोस्तों ये एक सोनेट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम वर्ट्स वर्थ वॉज बॉर्न एट कॉकर माउथ ऑन अप्रैल सेवेन और इसमें पूछा जा रहा है कि इनका जन्म हुआ था दोस्तों कॉकर माउथ में और सात अप्रैल में हुआ था लेकिन कौन से सन में हुआ था कौन से ईयर में हुआ था ये पूछा जा रहा है तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी में ईयर में हुआ था तो यहाँ पर जो आप फिल करेंगे वो सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी फिल करेंगे मीन्स आर आर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स वर्थ बिलोंग्स टू यानी विलियम वर्स वर्स कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि वो एक रोमांटिक पोइट है तो नाइनटीन सेंचुरी से वो बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इन द पोम डेफोडिल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ यानी जो इनकी पोम है डैफो इसमें जो पोइट हैं हमारे विलियम वर्ट्सवर्थ जी इन्होंने किस की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है तो दोस्तों इन्होंने नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है इस पोम में दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि हु कॉल्ड वर्ट्सवर्थ एज अ लॉस्ट लीडर यानी विलियम वर्ट्स जी को किस किसने लॉस्ट लीडर कहा था तो दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है इन्होंने जो विलियम वर्ट्स जी हैं इनको लॉस्ट लीडर कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डेड वर्ट्सवर्थ मीट हिज़ फ्रेंड एस टी कॉलेज यानी जो एस टी कॉलेज जी हैं दोस्तों बहुत ही इनके क्लोज़ फ्रेंड हैं तो उनकी फर्स्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी इनसे तो दोस्तों इनकी मुलाकात हुई थी सेवनटीन में और फिर इसके बाद ये इनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड बन गए थे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी पोम्स आर रिटन बाय विलियम फर्स्ट द लिरिकल बैलेट्स तो दोस्तों आपको पता है अभी मैंने बताया कि जो इनका जो वर्क जो पोम का कलेक्शन है लिरिकल बैलेट्स इसमें ट्वेंटी थ्री पोम्स का कलेक्शन है जिनमें इन्होंने नाइन्टी पोम्स लिखी थी और फोम पोम्स इनके जो इनके जो फ्रेंड हैं एस टी कॉलेज जी ने लिखी थी टोटल ट्वेंटी थ्री पोम्स का ये कलेक्शन है यानी पोम्स का कलेक्शन है वर्ड्स <laughs> वर्थ रोट द पोम माइकल यानी जो ये पोम लिखी गई है विलियम वर्ड्स वर्थ जी द्वारा माइकल ये माइकल पोम किस वर्स में लिखी गई है तो दोस्तों ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है यानी किस में लिखी गई है तो दोस्तों ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज़ माइकल इन द पोम माइकल यानी जो माइकल पोम है इन इस पोम में जो माइकल हैं वो कितने साल के हैं तो दोस्तों वो एटी ईयर्स के थे दोस्तों तो एटीन ईयर्स ओल्ड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों की वर्ड्सवर्थ कॉलरिज एंड साउथ ही आर फेमस एज तो दोस्तों ये लेक पोइट के रूप में ज़्यादा फेमस हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है हमारा तो दोस्तों ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एम सी क्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा